हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल प्रेम राधे 20 में। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि सेकेंड ईयर का क्या सिलेबस होता है और क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इस पर एक भाई ने कमेंट किया था कि क्या माइनिंग पढ़ाई हिंदी में होती है या नहीं। बहुत ही अच्छा कमेंट था, तो आज हम लोग इस वीडियो में यही टॉपिक के ऊपर जानेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को ये बता दें कि माइनिंग का जितना कुछ भी होता है, सिलेबस है या सब्जेक्ट है या बुक वगैरह जो भी है, वो सारा कुछ इंग्लिश का ही होता है, ठीक है। इंग्लिश में ही मिलता है और इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है, जितना भी सिलेबस होता है, बुक होता है, ठीक है। लेकिन आप ट्यूशन या फिर कॉलेज में जो भी पढ़ाई होता है, वहाँ पर इंग्लिश में पढ़ कर उनका हिंदी समझ सकते हैं, वैसा कोई कठिन नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन हाँ, माइनिंग पढ़ने के लिए इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ता है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो गया, LH हो गया, फर्स्ट एड हो गया, गैस टेस्टिंग हो गया, ओवरमैन सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सारा कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लेना होता है, बनवाना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा भाग दौड़ और मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। PDPT हो गया मेन, तो PDPT का सर्टिफिकेट है। तो माइनिंग पढ़ने के लिए कोर्स तो ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ सर्टिफिकेट लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जल्दी बनता नहीं है, 6-6 महीना साल भर लग जाता है, वेट करना पड़ता है। ऐसे तो सिर्फ नाम का है कि 3 साल का माइनिंग है, लेकिन 1 साल PDPT करना पड़ता है, उसके बिना तो ये कोर्स अधूरा ही है। तो ये सारा कुछ है। अगर आपको जानना है कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट लेना होता है या कौन कौन सा सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दिया हूँ अलग से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ था जो कि माइनिंग के में पढ़ना रहता है। तो मैं सोचा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, क्यों ना आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ।